पर जो नहीं 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 ये बताइए, देखिए देखिए ये तमाम बीजेपी के लोगों ने जो आज किया है वो दिखावा किया है। ऐसा नहीं कि केवल उस समय वही जेल गए हों, समाजवादी नेता और समाजवादी उस समय के जितने जनता पार्टी या तमाम नेताओं ने भी उस समय को देखा, लेकिन हम पीछे मुड़ के कितना देखें, हम पास्ट को कितना देखें, भविष्य हमारे सामने क्या है। और ये इतने आज हम लोगों के साथ कह रहे हैं जो समाजवादियों ने कभी उनको सम्मान दिया था, रक्षक सम्मान, लोकतंत्र रक्षक सेनानी, आइए लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या, कितना समाजवादियों नेताजी ने बढ़ाया, बीजेपी ने सुविधाएं कम की, बीजेपी ने जो इनको सम्मान मिलता था उसको कम किया, बढ़ाया नहीं, महंगाई बढ़ गई, बताओ ये सैनिक क्या करेंगे सेनानी। लेकिन बीजेपी कह रही है आप लोग बिखरे नजर आ रहे हैं। सवाल बिखरे के नहीं है, सवाल बिखरे नहीं नहीं आप लोग ए पत्रकार साथियों भाजपा ही मत बनिए, मैं ये पूछता हूँ आपसे, ये लोकतंत्र सेनानी हैं, इनके लिए एक्ट बना और एक्ट के तहत इन्हें सम्मान मिला, सम्मान से इन्हें कुछ सम्मान मिलता है। बीजेपी अगर इतनी शुभचिंतक है तो इनका दुगना कर दे, जहाँ जहाँ सरकार है, हमने किया, नेताजी ने किया, कितना मिल रहा है अब सुविधा, 20,000। अब एक मिनट, बात वो नहीं है, बात ये बताइए जो संता जो सेनानी है, रक्षक सेनानी हमारे, लोकतंत्र सेनानी है, क्या उनका भत्ता, क्या उनकी सुविधाएं दुगना करेगी भारतीय जनता पार्टी? जिस दिन दुगना कर दे आप हमसे पूछने आ जाना। और नेताजी ने लोकतंत्र सेनानी इनको सम्मान दिया, हम लोगों ने कानूनी अधिकार दिया जिससे इन्हें भत्ता सुविधाएं सम्मान मिल रहा है। बीजेपी बताए कि लोकतंत्र सेनानियों के लिए 1,00,000 रुपए भत्ता कब करेगी? सर आपने एक बात कही, आज क्रैक की बात कही, स्पीकर के पीछे क्रैक है, क्रैक नहीं बांटा हुआ है और अभी भी सीमेंट नहीं हटा, लग रहा है अभी भी वैसा ही बना हुआ है। मकान के बारे में बोल रहे थे कि कुछ नहीं, मकान के बारे में नहीं, लेकिन अभी आपने जवाब दे दिया कि आप अपोज कर रहे हैं इमरजेंसी का या सपोर्ट कर रहे हैं। पहले बीजेपी से 1,00,000 रुपए करवाइए लोकतंत्र सेनानियों के लिए, तब हमसे पूछने आइए।